खबर जो निष्पक्ष है, खबर जो निडर है, खबर जो उठाती है आपकी आवाज, खबर 7C, खबर जो सच है। नमस्कार, मैं विशाल पटेल, खबर 7C न्यूज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए ले चलते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की ओर और दिखाते हैं कुशीनगर से अशोक सिंह पटेल की यह खास रिपोर्ट। त्रिवेणी चीनी मिल रामकोला पर गन्ना किसानों ने लगाया घट तौली का आरोप। वास्तविक वजन से करीब 2 क्विंटल कम तौला जा रहा है गन्ना। घटतौली का वीडियो बनाने पर मिल के कर्मचारियों ने किसान नौमी यादव का मोबाइल छीन लिया। घटतौली को लेकर किसानों द्वारा हो हल्ला करने पर मिल पर पहुंचे जिला गन्ना अधिकारी, जांच कराकर उचित कार्रवाई करने का किसानों को DCO ने आश्वासन दिया है। आप यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं क्या? आपकी प्रतिनिधि जी, अभी अभी हमको भी मालूम चला है। हमने यहाँ तक कल महोदय SDM साहब से भी बात किया है और जो हमारे नोमी यादव जी हैं जो कह रहे हैं सतर्कता इनके में है कि दिन में 2.5 से 3 क्विंटल लोग मारते हैं, घटतौली हो रही है और ये सिस्टम रात को भी हो रही है और यहाँ का बहुत दुर्दशा हो रहा है। यहाँ के कुछ कर्मचारी जो मिले हैं जो सिस्टम को मारे हैं हम तार तार कर दिए हैं और किसानों का मुद्दा हमारी गवर्नमेंट जो है भारत सरकार है यूपी सरकार है हरदम मुद्दा उठा करते निष्पक्ष जो भी हो नया के कर्मचारी के जो भी है मनसूबे हैं वो अच्छी चीज़ नहीं है किसानों के प्रति और ये होना भी नहीं चाहिए। किसान बहुत मुश्किल से 1 साल तक सेवा करता है अपने गन्ने उन्ने के लिए ले आकर और यहाँ आने के बाद से कितने मुश्किल से यहाँ तक चढ़ कर आता है और 2.5 क्विंटल 3 क्विंटल कम काटने में बहुत दिक्कतें होती हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए और जो भी इसमें कर्मचारी होते हैं जो भी अधिकारी उनको तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, उनको मुकदमा दर्ज होनी चाहिए और उनकी जेल भेजनी चाहिए। क्या नाम था? आगे ऐसी कोई हरकत ना कर सके किसानों के साथ। क्या नाम है? रविंद्र प्रजापति, भाजपा मोड रामकोला। क्या मामला है, कैसा भीड़ है, क्या है? मैं यहाँ खेजियन का किसान हूँ, मैं अपना गन्ना तोल करा के लाया हूँ उनकी प्राइस कांटे से और यहाँ जब मैं आया हूँ मेरा नंबर आया है तोलने आया हूँ तो 2 क्विंटल घट तोली था। मैं गाड़ी खड़ा कर दिया हूँ, यहाँ फैक्ट्री के अधिकारी लोग जुटे हैं, हमारा मोबाइल ले लिए हैं, उसके बाद कह रहे हैं कि नहीं नहीं उस कांटे पर तोलिए, ये अभी जो है कि 0 नहीं हुआ था, आप उस पर तोलिए वो सही है, ये इस पर खराब है ये कांटा। तो जब कांटा खराब था तो ये सुबह से तोल कैसे कर रहे थे, 2400 घंटा तोल कैसे कर रहे थे? उस पर भी जब चढ़ाया गया है गाड़ी, दो गाड़ी हमारी तोल के आई तो दूसरी गाड़ी उस पर चढ़ी है तो उस पर भी 2 क्विंटल कम था तो दोनों गाड़ी ये लोग बैक करा दिए हैं। बैक करिए देख रहे हैं क्या हो गया। तब तक ये सारा खेला कंप्यूटर से होता है, कंप्यूटर मैनेजर जो है वो क्वार्टर से भागे भागे आए हैं, तुरंत 2 मिनट में कांटा सही कर दिया है, उसके बाद भी तोल हुआ है तो 85 किलो कम है। क्या नाम है? नौमी यादव। कहाँ से? यही मोरवन बगल गांव, यही बगल के हैं मोरवन। क्या मामला पूरा? जी हाँ, हमारी भी गाड़ी एक गाड़ी तोल के गई है परसों अभी, जिसमें 2 क्विंटल 20 किलो अंतर था। हमारी गाड़ी एक्सीडेंट कर गई थी गोरखपुर में, जो हम गोरखपुर में थे उस दिन कुछ भी नहीं की, आज भी हमारी गाड़ी तोल करा के आई है धर्मकांटे से और 80 किलो का अंतर आया, क्योंकि एक गाड़ी पहले तोल हुई है उसमें 2 क्विंटल का अंतर आया, तब तक दूसरा कांटा सेट कर लिए हैं और उसमें मात्र 80-85 किलो का अंतर आया। क्या नाम आपका? शिवन सिंह बबलू, मोरवन घर है हमारा, उप प्रधान भी हैं। शिकायत पे आया हूँ, वो अपनी गाड़ी दोबारा से मंगवा रहा हूँ, मामला तो मैं पूरा चेक करने के बाद ही बताऊँ। किसान भाइयों को मेरी अनुरोध यही है कि जब आपकी गाड़ी यहाँ पे आए आप उसकी रसीद ले लीजिए और रसीद लेने के बाद जब आपके हाथ में रसीद आ जाए फिर आप बताइए कि मेरे में घटतौली हो रही है, आपकी गाड़ी दोबारा से फिर हमारे चाहे या सचिव उपलब्ध रहते हैं, सचिव या CDI यहाँ पे उपलब्ध रहते हैं या CDI और अपरिहार होगा मैं भी आऊँगा। जब भी आपको इस समय समस्या लगती है पूरे 24 घंटा यहाँ सचिव साहब रहते हैं, आप जब भी बताएंगे आएंगे, लेकिन तौल करा के रसीद अपने पास रखिए जिससे आपके पास एक प्रूफ हो जाए कि मेरे साथ ये घटतौली हुई। मैंने यहाँ पे एक धर्मकांटा निर्धारित कर रखा है पास में, उस कौन सा धर्मकांटा है? वो संतोष धर्मकांटा, संतोष धर्मकांटा पास में ही है, वहाँ से क्रॉस चेकिंग भी कराई जा सकती है। सर किसान ये भी आवाज उठा रहे हैं कि यहाँ जाम ज्यादा से ज्यादा जाम लगाई जा रही है, इस जाम वाली समस्या से कैसे निकला? जाम तो देखो कोई ऐसा वो नहीं रहता, रेगुलर चीनी मिल चलती रही तो भी जाम नहीं आएगी, कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गई अचानक तो 1-2 घंटे के लिए जाम लगेगा, नहीं तो ये तो कंटिन्यू
प्रोसेस है, आती रहती है गाड़ियाँ चलती रहती है। अभी यार्ड इसीलिए इतना बड़ा, अभी रोड पता नहीं है सर, 6 घंटे लग जा रहा है, 8 घंटे लग जा रहा है। नहीं, अभी मैंने बात करी है चीनी मिल से, तो इन्होंने बताया कि बीच में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, इससे चीनी मिल खराब हो गई थी, इस वजह से बाधित हुआ। तो आगे से इनका जो है अभी पूरी तरह रन में भी नहीं आ पाई, क्योंकि अभी शुरू हुआ है चीनी मिल, तो अभी रन में पूरी तरह आने में 4-5 दिन लग जाएगा। जब रन में आ जाएगा फिर अभी जांच करने आ पाए, अगर जांच में घटतौली पाई जाती है तो क्या कार्रवाई की जाए? जो भी विधि संबंध कार्रवाई हमारी संभव है। थैंक यू।